Hello and welcome to another episode of Cricket Diaries by Quick Heroes. This is your host Khyat, और आज हमारे साथ Miss Rajeshwari Gaikwad है, जो Karnataka से belong करती है, and she plays cricket for the Indian cricket team, the Indian women's cricket team, और 2014 से लेके अब तक cricket खेलती आ रही है. तो आज वो अपने क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में हमसे बात करेगी. राजेश्वरी गायकवाड, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. तो अगर आप बता सके कि आपने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया, या आपकी जर्नी कहाँ से चालू हुई? मेरी जर्नी 2007 से शुरू हुई है, और मैं क्रिकेट से पहले बहुत सारे गेम में इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्ट था मुझे, तो पहले से मैं दूसरे गेमों में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन क्रिकेट मुझे उतना नहीं पता था. लेकिन उसके बाद जब लेडीज क्लब जो हमारे बीजापुर में ओपन किया गया, तो मैंने जस्ट पार्टिसिपेट किया, और मुझे उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि मुझे हर एक स्पोर्ट पसंद था. तो उस हिसाब से मैंने क्रिकेट भी बहुत इंटरेस्ट से खेलना शुरू किया. और मुझे जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत ही मजा आया क्रिकेट में, और मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया. और फिर आपने खेलना शुरू किया, उसके बाद जैसे कि जानते हैं इंडिया में क्रिकेट काफी कंपटीशन रहता है, और स्पोर्ट्स से भी ज्यादा क्रिकेट एक रिलीजन की जैसे लोग फॉलो करते हैं, तो वो आपकी जो जर्नी थी टू द इंडियन क्रिकेट टीम, वो कैसी रही, और अगर आपने क्या उसमें मुश्किलें अगर फेस की तो कैसी, क्या फेस की थी? इंडियन टीम में मुझे उतना जैसे बोला जाए कि कुछ उतनी क्या बोलते हैं मुसीबतें मैंने ये नहीं देखी है, क्योंकि जब मैंने इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हो गई, तो उसके बाद मेरे सीनियर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से ऐसे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं डेब्यूटेंट हूँ या अभी अभी आई हुई लड़की हूँ टीम में. बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है इंडियन टीम से, और बहुत ही अभी भी सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है. और आप छोटी थी, और आप जब खेलती थी तो आप जिस एकेडमी में जाती थी, वहां पे अगर ऐसा हुआ है कि सिर्फ बॉयज ही हो और गर्ल्स कम हो देखने मिले, और उनके बीच खेलना पड़ा हो? बॉयज तो बहुत लोग क्रिकेट खेलते थे जहाँ से मैं खेलती थी, और लड़कियां बहुत ही कम. और बोला जाता था कि क्या लड़की होके खेलती है क्रिकेट, बहुत सारे ताने सुनने को मिले उस टाइम पे. लेकिन सब कुछ छोड़ के हमारा एक ही फोकस था कि चलो कुछ कर रहे तो इसमें कुछ करके दिखाना है. जैसे अभी इंटरेस्ट मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया था क्रिकेट में कि मैंने कभी मुझे इंडिया के लिए खेलना है या कुछ बड़ा होके दिखाना है, मैंने कभी ऐसे दिमाग में नहीं लेते हुए. जो मुझे अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था कि मुझे जाना है ग्राउंड पे, बॉलिंग डालनी है, ये सब बहुत ही दिलचस्प रहता था मेरे लिए. और तब लड़के लोग भी बहुत सारे थे, और मैं खास तौर पे जब सर लोग नहीं आते थे, तो उन लड़कों से मैं कैचेस लेना, हाई कैचेस लेना किया करती थी, और ऐसे ही बहुत ही अच्छा रहा. बिल्कुल बिल्कुल. और फिर आप इंडियन टीम में, आपने 2014 में अपना डेब्यू किया इंडियन टीम में, तो इंडियन टीम के आने के बाद आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कि कुछ अलग हुआ ऐसा लगा आपको? इंडियन टीम में आने के बाद तो ऑब्वियसली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, और खास तौर पे थोड़े फाइनेंशियली स्टेबल हुई हूँ इंडियन टीम में आने के बाद. और पहले तो ऐसे था कि घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि ऐसे किसी को बताया नहीं जा सकता था, और मेरे डैड गुजरने के बाद तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई घर पे. लेकिन जैसे मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गई, उसके बाद से वो सब बेहतर होते गया. नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी. और आज भी हम देखते हैं तो मेल क्रिकेट और जो वुमेन्स क्रिकेट है, उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है, काफी डिफरेंस है दोनों में, कि जो मेंस गेम है वो थोड़ी ज्यादा फॉलो होती है, वुमेन्स गेम काफी आगे आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है, कि वो जो भेदभाव है वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं लगता है कि मेंस क्रिकेट को ज्यादा ये मिल रहा है या वुमेन्स क्रिकेट को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से लेके अभी तक जो मैं देखते आई हूँ, उस हिसाब से बहुत ही कुछ मिल रहा है हम लोगों को. और
जितना मिल रहा है उतने में मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कोई मेरी मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं कि उनको इतना मेरे हम लोगों को इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे वुमेन्स क्रिकेट बहुत ही इम्प्रूव होते जा रहा है। बिल्कुल। और आपके आपका जो इंटरनेशनल करियर है उसमें, या फिर इंटरनेशनल करियर स्टार्ट हो उसके पहले भी कोई ऐसा मोमेंट है कि जो यादगार रहा हो, जो आपका फेवरेट परफॉर्मेंस रहा हो अभी तक का, या फेवरेट आपका टीम के लिए भी काफी यादगार मोमेंट रहा हो, ऐसा कोई आपके दिमाग में हो तो? हाँ, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था जो 2017 वर्ल्ड कप, और जो जिस मैच में मैंने 5 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड अगेंस्ट, और वो मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही टीम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। जब मैंने उस मैच में 5 विकेट लिए और वो मैच हम लोग जीत गए, जीतने के बाद हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए थे, वो मेरा सबसे यादगार मोमेंट है। और आपने आगे का कुछ सोचा हुआ है कि क्रिकेट जब रिटायर होंगे तो उसके बाद कोई प्लान्स है आपके कि क्या करना है, या कुछ कुछ नया ट्राई करना है, या कुछ एक्सपीरियंस करना हो तो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ मैंने इतना कुछ फ्यूचर का सोच के नहीं रखा है। जो भी अभी जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगी बस क्रिकेट में ही मेरा फोकस है, और नहीं, फ्यूचर का कुछ मैंने ऐसे सोच के नहीं रखा है, अच्छा। यही और करना है उसके बाद। बिल्कुल। और आपको ऑफ टाइम में क्या करना पसंद है, कि जो टाइम पे आप फील्ड पे नहीं होती है उस टाइम पे ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं? मुझे ऑफ टाइम में ज्यादा शॉपिंग करना पसंद है, और मुझे गाने सुनना ज्यादा पसंद है, मूवीज देखना ज्यादा पसंद है। बस ऑफ टाइम में यही चलता है, ज्यादातर मूवीज बहुत देखती हूँ। हाँ। और तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? हाँ, मेरी फेवरेट मूवी है तारे जमीन पर और दंगल, तारे जमीन पर और और दंगल, इकबाल भी, और इकबाल इकबाल भी। भी हाँ, इकबाल बिल्कुल, मूवी क्यों नहीं, अच्छी क्रिकेट है। हाँ की मूवी है, काफी इंस्पिरेशनल मूवी है, काफी लोगों की बिल्कुल, फेवरेट मूवी होगी वो। तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए मिस राजेश्वरी, के जो जो क्रिकेटर्स इसको सुन रहे हैं, कि जो ट्राई कर रहे हैं कि वो आगे अपने क्रिकेट में आगे बढ़े, अपनी स्किल इंप्रूव करे और में एक दिन इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेगी? यही एक एडवाइस देना पसंद करूंगी कि जो भी करोगे दिल से करो, और हार्ड वर्क तो 100% रहना ही चाहिए। जो भी हम एम करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, उसके पीछे हार्ड वर्क बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग हार्ड वर्क करेंगे नहीं, लेकिन सोचते रहेंगे कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, ये कभी भी होगा नहीं। और मेहनत बहुत जरूरी है। बस मैं जो भी यंगस्टर्स है, जो भी क्रिकेट क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक ही बात कहूंगी कि मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल, काफी बढ़िया बात से आपने एंड किया इंटरव्यू को। और तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है, आपकी जर्नी के बारे में हमसे बात की, हमसे शेयर की, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। तो दैट वाज मिस राजेश्वरी गायकवाड, क्रिकेटर फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम। यू कैन कीप लिसनिंग टू क्रिकेट डायरी फॉर मोर सच इनसाइटफुल इंटरव्यूज। दिस इज योर होस्ट ख्यात, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।